नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्मिता पटेल। दिव्या न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष में हमारे साथ उपस्थित है ध्यान गुरु अर्चना दीदी। अर्चना दीदी, स्वागत है आपका हमारे दिव्यांग स्टूडियो में। आज हम जानते हैं अर्चना दीदी के बारे में, उनके मंतव्य के बारे में। तो अर्चना दीदी, हमें बताइए, आप अर्चना से अर्चना दीदी तक का सफर कैसे किया और क्यों किया? माता पिता ने मेरा नाम अर्चना रखा था और मैंने वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करी। बहुत छोटी आयु से ही मेरे जीवन में ध्यान घटित हुआ, मेरे सद्गुरु की कृपा हुई और ये ध्यान आगे ही आगे बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया जब सद्गुरु के आज्ञा पर, उनके आदेश मिला कि मुझे जो मैंने पाया है उसको मैं पूरे संसार में वितरित कर सकूं। जो मैंने ध्यान में अनुभव किया वो अनुभव मैं बाकी सबको भी दे सकूं। सद्गुरु की आज्ञा पर जब मैंने ध्यान का ये लोगों को सिखाना, ये ध्यान का अनुभव बांटना प्रारंभ किया तो लोगों के प्रेम ने मुझे दीदी नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया और मैं अर्चना से अर्चना दीदी बन गई। जी साधना जी, आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि साधना का मतलब क्या है और जीवन में साधना का क्या इम्पोर्टेंस है? ध्यान का अर्थ, मेडिटेशन का अर्थ होता है अपने आप से मिलना, स्वयं से मिलना। मेडिटेशन इज द डिस्कवरी ऑफ द वर्ड कॉल्ड मी। मेडिटेशन में आप देखें तो पहले 2 अल्फाबेट्स होते हैं, एम और ई, जिसे मिलकर बनता है मी। ध्यान एक खोज है, ध्यान एक यात्रा है स्वयं से मिलने के लिए। आज हम सब खोए हुए हैं। आज हम सब इस पल, इस क्षण में होते हुए भी अपने आप से बहुत दूर हैं। शरीर यहाँ है और मन कहीं और है। हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, कहाँ उलझे हुए हैं नहीं जानते। बस जीवन बीतता जाता है, व्यतीत होता जाता है और यही कारण है कि आज हम आनंदित नहीं हैं, हमारे होठों पर मुस्कान नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलने की कला। हम सभी के पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी एक चीज नहीं होती और वो है शांति और आनंद। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है लेकिन जीवन से प्रेम घटता जाता है। हम संसार में सफल हो जाते हैं और घर परिवार में असफल हो जाते हैं, निजी जीवन में असफल हो जाते हैं। जीवन का, आयु का एक पल, एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है हम अकेले हैं। हम निराश होने लगते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ है जो खो गया। ये जो कुछ खो गया है, ध्यान इसी को पाने की कला है। ध्यान अपने आप से जुड़ने की, अपने आप को पाने की कला है। बस ध्यान का यही अर्थ होता है। जी अर्चना दीदी, बहुत अच्छा बताया हमारे दर्शक मित्रों को आपने। अर्चना दीदी, हमें बताइए कि योगा और साधना में क्या तफावत है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। जिससे भी हमारा वियोग हो चुका हो, हम जिससे दूर हो चुके हों, उससे एक होने का नाम है योग। योग के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं, भिन्न भिन्न मार्ग होते हैं। योग का अर्थ है किसी से जुड़ना, किस माध्यम से जुड़ना, ये अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे कर्म योग, यानी कर्मों के द्वारा कर्म सिद्धांत को जानते हुए, कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करना, कर्म योग है। भक्ति योग है कि भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते योग अर्थात परमात्मा से मिलन करना। ज्ञान योग है कि ज्ञान के माध्यम द्वारा, जानने के द्वारा आप योग अर्थात आप उस तक पहुंचते हैं जिससे आपका वियोग हो चुका हो। ऐसे ही बहुत तरह के योग हैं, उसमें से एक योग है जिसे ध्यान योग कहते हैं। ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जो बिछड़ा हुआ है,
जिसका वियोग हो चुका है, जो हमसे दूर है, उसका योग करना ध्यान योग है। तो योग का अर्थ है जुड़ना और ध्यान योग का अर्थ है ध्यान के माध्यम से योग तक पहुंचना। जी अर्चना दीदी, हमारा दूसरा और सवाल है आपसे कि मनुष्य इन दिनों तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर आप क्या बताना चाहोगे साधना के बारे में? हमारे मनुष्य को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना चाहिए? तनाव आज एक ऐसी समस्या है जो आप छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक देख सकते हैं। हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और उसका कोई कारण नहीं है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें तो वो तनाव से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम है, कंपटीशन है और उसकी वजह से वो तनाव से ग्रसित है। किसी और व्यक्ति को देखिए, वो धन कमाने के लिए तनाव से ग्रसित है। किसी महिला से पूछिए, प्रेमपूर्ण रिश्ते टूट गए हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, इसलिए वो तनावपूर्ण है। घर के बड़े बुजुर्गों को देखिए, वृद्धजनों को देखिए, वो तनाव से भरे हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा है अकेलेपन की। हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। ऐसा लगता है चारों तरफ तनाव ही तनाव है और हम उससे घिरे हुए हैं। इस तनाव को दूर कैसा किया जाए, इसके लिए हम बहुत उपाय करते हैं। संकल्प भी लेते हैं, सोचते भी हैं कि आज के बाद हम तनाव नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये सब होता है। इसका कारण क्या है और इसका उपाय जानिए। सबसे पहले, तनाव दूर नहीं होता इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तनाव बाहर से होने वाली घटनाओं के कारण नहीं होता। हमें ऐसा अनुभव होता है, आप कहेंगे मैं तनाव से ग्रसित नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी तनाव से ग्रसित हूँ। कारण, बाहर के आउटर सर्कमस्टांसेस, बाहर का वातावरण, काम का तनाव, रिश्तों का तनाव, इसके कारण, इन सब कारणों के कारण मुझे तनाव है। बस यहीं पर गलती हो जाती है। हम बाहर के कारणों से लड़ते रहते हैं, वो सोचते हैं हम कि अगर ये दूर हो जाएंगे कारण तो हमारा तनाव समाप्त हो जाएगा। हम प्रयास करते हैं, उन कारणों को दूर करते हैं और अब सोचते हैं कि हमारे जीवन में शांति होगी, लेकिन इतनी ही देर में देखते हैं कोई और कारण उत्पन्न हो गया। हमें लगा था कि अब हम शांति से जीवन जिएंगे, लेकिन और बड़ा तनाव आ गया। यही कारण है कि तनाव दूर नहीं होता। उपाय क्या है? उपाय बहुत सहज और सरल है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तनाव का बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। स्ट्रेस, तनाव आपके मन की अवस्था है। आपका मन रोगी है। आपके मन की अवस्था ऐसी है कि छोटी सी बात भी आपको परेशान कर देती है, तनाव से ग्रसित कर देती है। जो करना है वो भीतर करना है, बाहर नहीं। जब भीतर से आप शांत होते हैं, आनंदित होते हैं, मौन होते हैं, तब आप ये देखते हैं बाहर कुछ भी हो, आपके होठों पर मुस्कान होती है और हृदय में आनंद होता है। और भीतर का ये मौन, शांति, आनंद और प्रेम आता है ध्यान के माध्यम से। जब आप ध्यान करते हैं तो भीतर की मन जो रोगी हो चुका है, आप सोचिए कि जैसे आप उसको एक दवाई दे रहे हैं, आप उसका इलाज कर रहे हैं, आप उसे औषधि दे रहे हैं। ध्यान औषधि के माध्यम से, औषधि बनकर आपके भीतर उतरता है और आपके रोगी मन को धीरे धीरे स्वस्थ करने लगता है। ये मन जितना स्वस्थ होता है, आप शांत और आनंदित हो जाते हैं। तब बाहर कोई भी कारण हो, आप तनाव से ग्रसित नहीं होते। इसलिए यदि आपको तनाव को दूर करना है तो ध्यान से जुड़िए, मेडिटेशन से जुड़िए और आप ये देखेंगे बाहर कुछ भी हो, आपको तनाव होगा ही नहीं। जी अर्चना दीदी, बहुत अच्छा समझाया आपने हमारे दर्शक मित्रों को। अर्चना दीदी, सूरत में महाराष्ट्र ध्यान का आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगी? महाराष्ट्र एक साधारण
रास लीला का वो नर्तन नहीं था जो वृंदावन में घटित हुआ भगवान श्री कृष्ण मां राधिका और गोपियों के मध्य में। महारास प्रतीक था उस घटना का जिसमें जीवात्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है। उस पल उस क्षण जो नित्य होता है जब एक जीवात्मा सुदबुद्ध खोकर अपने परम आत्मा की ओर परम आनंद की ओर बढ़ती है, कैसे उसकी ओर बढ़ते बढ़ते वो उसमें विलीन हो जाती है, ये घटना थी जिसे महारास कहा गया। लेकिन ये घटना सुनने के लिए या पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये घटना अनुभव का विषय है। इसीलिए मैंने सूरत में ये महारास साधना शिविर रखा ताकि साधक फिर से उस घटना को अनुभव कर सकें, उसके साक्षी बन सकें कि जब आपकी ऊर्जा संसार से हटकर आपका ध्यान परमात्मा की ओर बढ़ता है तब आपके भीतर फिर से वही नृत्य प्रारंभ होता है जिसे महारास कहते हैं। आप सभी साधक उस एक यात्रा के साक्षी बन सकें, उसका अनुभव कर सकें, इसी के लिए ये शिविर है जिसे महारास साधना शिविर कहते हैं। जी अर्चना दीदी, बहुत अच्छा समझाया आपने। अर्चना दीदी, अगर हम बात करें नारी सशक्तिकरण की, तो नारी सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या सुझाव है? मैं स्वयं एक नारी हूँ, लेकिन साधना में ये कहा जाता है कि ये शरीर केवल एक वस्त्र है आत्मा का, लेकिन फिर भी जो देह पांच महाभूतों से बनी ये देह सृष्टि प्रकृति आपको प्रदान करती है, इस देह का अपना एक महत्व होता है। नारी के भीतर परमात्मा ने वो गुण दिए हैं, वो शक्ति दी है कि स्वयं नारी शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का रूप है, देवी का रूप है। हमारी संस्कृति ये रही है कि हमने नदियों को भी देवी के रूप में जाना है, माँ के रूप में जाना है। हमारा राष्ट्र वो राष्ट्र है जिसे माँ कहा जाता है, हम इसको भी माँ मानते हैं, माता मानते हैं, ये नारी का स्वरूप है। आज नारी अपनी शक्ति भूल चुकी है, अपना देवी स्वरूप भूल चुकी है, अपने गुणों को भूल चुकी है। यदि नारी स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने, तो वो अनुभव कर पाएगी कि उसके भीतर प्रकृति ने सृष्टि ने कैसे कैसे गुण और कैसी कैसी शक्तियां दी हैं। ध्यान यही करता है, मेडिटेशन यही करता है, आपकी स्वयं से पहचान कराता है, आपकी सोई शक्तियों को जागृत करता है। देवी का वो स्वरूप कहीं बाहर किसी प्रतिमाओं में, किसी मंदिर में या किसी तीर्थों में नहीं है। आप अपने भीतर कैसे उस देवी स्वरूप को, उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, इसी का नाम ध्यान है। तो अर्चना दीदी, हमें बताइए, क्या योग और साधना ही मोक्ष का पाथ है? ऐसा नहीं है कि योग और ध्यान ही मोक्ष का पथ है, परंतु ये जरूर है कि ये एक श्योर रास्ता जरूर है, एक ऐसा मार्ग जरूर है। सिर्फ एकमात्र ये मार्ग है ऐसा नहीं है, लेकिन ये अवश्य वो मार्ग है जिस पर चलकर आप मोक्ष को पा सकते हैं। जी अर्चना दीदी, बहुत अच्छा बताया हमने। अर्चना दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सूरत में महारास ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है, तो हमारे दर्शक मित्रों अगर उसमें जुड़ना चाहे तो उसके बारे में अगर आप बताएंगे। आप सभी को मेरा आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आप सभी महारास साधना शिविर से जुड़े और उस घटना के, उस अनुभव के साक्षी बने। इसके लिए कल 21 दिसंबर को और परसों 22 दिसंबर को ये साधना शिविर अग्रसेन भवन सिटी लाइट में रहेगा, जिसका समय सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक रहेगा। ध्यान का समापन
रविवार को सुबह होगा और उसका समापन के उपरांत 3 बजे भगवान श्री कृष्ण की महापूजा रहेगी। उसमें भी आप सभी आमंत्रित हैं, किंतु साधना में आप यूं ही प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप ध्यान साधना शिविर से जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप ये फोन नंबर नोट कर लें। आप इस फोन पर अपना पंजीकरण कराने के उपरांत ही ध्यान साधना शिविर में प्रवेश पा पाएंगे। फोन नंबर है 8800750750। मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, 8800750750। आप इस नंबर पर फोन करके अपना पंजीकरण कराने के उपरांत ही शिविर में प्रवेश कर सकते हैं। अर्चना दीदी, आज आप डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मुलाकात में हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग होता है और यहाँ पर जितनी अच्छी सेवा मैंने देखी, ऐसी सेवा बहुत कम स्थानों पर हो रही है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र जब किसी का सक्रिय होता है, जागृत होता है, तभी व्यक्ति उस अवस्था, उस स्थिति तक पहुंच सकता है जो हमारी संस्कृति है, जिसमें हम ये मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हमारा छोटा सा परिवार नहीं, पूरी सृष्टि, पूरा संसार हमारा परिवार है और इसका जीता जागता उदाहरण हम यहाँ पर श्री कनु भाई जी को देखकर हम पा सकते हैं। उनका प्रेम यहाँ पर विस्तार पाता है। सभी बच्चों को, नन्हे मुन्ने दिव्य बच्चों को वो अपने हृदय से लगाते हैं, अपनी ही संतान की तरह अपना ही परिवार मानकर उनका पालन और पोषण करते हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा इस सेवा की जाए उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे सेवा के कार्यों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद इस पूरे परिवार के लिए। अर्चना दीदी, आप भारत के दिव्यांगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आप सभी के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि शरीर सिर्फ आत्मा का वस्त्र होता है। यदि वस्त्र कहीं से छोटा बड़ा हो भी जाए, उसमें कोई कमी भी हो जाए, तो हम में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हमारी पहचान हमारे पहने हुए ओढ़े हुए वस्त्रों से नहीं होती, हमारी पहचान स्वयं हमसे होती है। इसलिए किसी भी कारण से, किसी भी पल, किसी भी क्षण अपनी शक्ति को कम मत समझिए। अपने हृदय के बल को जागृत कीजिए, संकल्प शक्ति को जागृत कीजिए और आप पाएंगे कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल खुद को पहचानने की और खुद को जागृत करने की। जी अर्चना दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। अर्चना दीदी, आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भारत की समस्त युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि आप इस राष्ट्र का वर्तमान हैं। मैं नहीं मानती कि आप हमारा भविष्य हैं, मैं ये मानती हूं कि आप हमारा वर्तमान हैं। आपके संस्कार, आपकी सोच आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगी। इसलिए आप कोई भी कर्म करें, ये समझकर करें कि आप इस भारत माता की संतान हैं। प्रयास कीजिए जुड़ने का, फिर से अपनी उसी गरिमामय संस्कृति से। ये राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र रहा है, सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था, इसकी संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती थी। इसके ग्रंथों को पढ़कर विज्ञान पूरे विश्व ने सीखा है, लेकिन ये सब संस्कृति, ये सब ज्ञान विज्ञान सब खो गया। आज की युवा पीढ़ी यदि फिर से अपनी संस्कृति और उसी धरोहर को संभाल सके, तभी ये राष्ट्र उन्नति कर पाएगा।
आपके भीतर अदम्य साहस है, जोश है। देखिए आप अपनी उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि युवा का अर्थ है जिसके भीतर की ऊर्जा जागृत है। अब इस शक्ति को, इस ऊर्जा को आप किस दिशा में लेकर जाते हैं, ये निर्णय आपका है। आप चाहें तो इस ऊर्जा को गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं, और आप चाहें तो उन्नति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए निर्णय लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से सही दिशा की ओर अग्रसर करें। इस ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए, इस शक्ति को व्यर्थ मत कीजिए। इस ऊर्जा को उस दिशा की ओर लेकर जाइए जो आपको उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचा दे। यही आप सभी के लिए मेरा संदेश है। आज व्यक्ति विशेष में हमने जाना ध्यान गुरु अर्चना दीदी को। आज हमने उनके मंतव्य के बारे में जाना और उनसे बहुत कुछ सीखा। हम उम्मीद करते हैं हम दूसरी बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।